और रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भोगदेवपुर थाना प्रभारी उत्तम साहू के टीम के द्वारा अवैध कबाड़ परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों समेत लगभग 10 लाख के कबाड़ व एक ट्रक और कार को जब्त किया गया है। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध कबाड़, जुआ, सट्टा, शराब, गांजा के विरुद्ध अंकुश लगाने के निर्देश पर खलसिया थाना प्रभारी ने टीम बनाकर रात्रि गश्ती के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद कार में सवार लोग दो ट्रक में अवैध कबाड़ लोडकर निगरानी करते आ रहे हैं। तभी ग्राम बिंजकोट बाजार डांड के पास सफेद कार से रोककर पूछताछ की गई। साथ ही कार के पीछे लगे ट्रकों को चेक करने पर अवैध कबाड़, लोहा, छड़, प्लेट, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर एवं कटर लोड मिला। वही कार में सवार लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही बिजकोट से अवैध कबाड़ को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रारंभिक स्तर पर जो दोनों ट्रक ड्राइवर और उनके साथ जो कार पे और परिवहन कर रहे थे उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। इसमें आगे विवेचना में अगर देखा जाएगा कि कंपनी के अगर किसी अधिकारी की इसमें संलिप्तता पाई गई तो निश्चित तौर पे उन पर भी वैधानिक कार्रवाई। अभी जो हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है इसमें सीबी स्टील प्लांट सुधीर कंपनी का सुपरवाइजर जो गिरफ्तार हुआ है और उसको अभी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आगे इसमें कार्रवाई में जिन जिन व्यक्तियों का नाम आएगा उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।